हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे यूके के जो रीसेंट अपडेट्स आ रही है वीज़ा और इमिग्रेशन को लेके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ब्रेग्जिट होने के बाद जो बेनिफिट मिल रहा है अदर कंट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया जिसमें आता है, वो बहुत ही मैसिव चेंजेस जो हैं यूके गवर्नमेंट कर रही है, यूकेवीआई कर रही है। अभी रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग 5th ऑफ अक्टूबर के बाद में एक तो जो टीयर 4 स्टूडेंट वीज़ा था उसको क्रैश कर दिया गया है और अब स्टूडेंट वीज़ा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे आएगा, यानी आपको 70 पॉइंट्स स्कोर करने रहेंगे। और साथ ही साथ ब्रेग्जिट के बाद में फ्रेंड्स, जो लोग पहले यूरोपियन यूनियन से अपने आईडी कार्ड के बेसिस पर ट्रेवल कर सकते थे यूके, वो 5th ऑफ अक्टूबर 2020 के बाद, क्योंकि ब्रेग्जिट नो डील के साथ एंड हुआ है, तो अपने आईडी पे वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोसेस उनको फॉलो करना रहेगा जो किसी भी अदर कंट्री के सिटीजन को करना रहता है, यानी कि अब वीज़ा प्रोसेस उनको करवाना पड़ेगा और वीज़ा प्रोसेस होने के बाद ही वो ट्रेवल कर सकते हैं यूके के लिए। इवन जो 6 मंथ का ट्रेवल फ्री पहले डील हो रही थी, यानी कि 6 मंथ के लिए आईडी पर ट्रेवल कर सकते थे, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब कंप्लीट वही प्रोसेस ईयू सिटीजन्स के लिए है जो कि इंडियन या नेपाल या किसी अदर कंट्री के लिए है। तो सेम ग्राउंड लेवल अब आप सभी के लिए हो गया है, यानी यूरोप से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे किसी भी अदर कंट्री से हो, अब सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको यूके ट्रेवल करना है तो। और साथ ही जो सेटलमेंट के लिए पहले यूरोपियंस को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब अगर सेटलमेंट, यानी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद में वर्क परमिट पे जाते हैं, तो सेम प्रोसेस सभी को फॉलो करना रहेगा, जिससे चांसेस बढ़ते हैं इंडियंस के लिए कि उनको जॉब वहाँ पे इजीली मिल पाए। पहली चीज़ तो ये फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि आप जब एजुकेशन वीज़ा ले रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको यूके की पीआर मिलेगी। उसके लिए कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करनी रहेगी, तो ही आपकी पीआर होगी। कई सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर मैं यूके चला जाऊँगा तो क्या मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी अनटिल लेस आप एक जो पैटर्न है उसको फॉलो करें। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जिस भी डिग्री के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करके आप जाएं कि उस डिग्री के बाद में आपके क्या क्या चांसेस है जॉब्स के, क्योंकि आपको जैसे डिग्री कंप्लीट होगी आपको PSW मिलेगा 2 साल का, जिसके अंदर आपको मिनिमम 18,000 pounds या उससे ऊपर आपकी सैलरी का टारगेट अचीव करना रहेगा। और उसके बाद जैसे ही आपका PSW ख़त्म होता है, आप पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें आपको 26,500 pounds या उससे ऊपर की आपकी सैलरी रहनी चाहिए, तभी आपको PR मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। साथ ही जनवरी इनटेक के लिए अभी फ्रेंड्स एप्लीकेशंस ओपन है, उसके लिए आपको application02@meridian.org इस पर ईमेल कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है यूके वीज़ा को लेकर या ऑस्ट्रेलिया कैनेडा के वीज़ा को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई करते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है फ्रेंड्स, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स आपको मिलती रहे, उसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।